नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त बहुत बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 के वो विनर रहे हैं और हार्ट अटैक वजह से कूपर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। हार्ट अटैक से अभिनेता का निधन हुआ है। मुंबई के कूपर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बालिका वधु से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और पहचान भी उन्हें वहीं से मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिल से दिल तक जो सीरियल था, जो डेली सोप था, उसमें भी काम किया। लोगों ने उसे खूब सराहा, खूब प्यार मिला। उसके बाद बिग बॉस 13 में वो आए। बिग बॉस 13 में वो विनर भी रहे। अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजा मुराद, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करती हूँ। रजा मुराद जी, बहुत दुखद खबर है। एक टैलेंटेड एक्टर जो कि बालिका वधु जैसे सीरियल से आगे आए, एक अच्छी पहचान उन्हें मिली, अभी उन्होंने बिग बॉस जीता, अभी उनकी वेब सीरीज आई थी, ऐसे में हार्ट अटैक आ जाना और हमारे बीच से उनका चले जाना बेहद दुखद है। समझता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद उस सदमे से हम अभी नहीं उभरे थे जी, कि ये इस साल का हमारे लिए सबसे बड़ा सदमा है। ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना फिट, इतना फुल ऑफ लाइफ, इतना ऑफ हार्टेड नौजवान इतनी कम उम्र में हृदय की गति रुक जाने से हमें छोड़ के चला जाएगा। ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब इसकी क्या वजह है, अब तक डिटेल्स नहीं आई है, विस्तार से पूरी खबर नहीं आई है कि क्या हुआ था। याद है पिछले हफ्ते ये बिग बॉस के उसमें आए थे, रविवार का वार जो आता है संडे के दिन, ये आए थे शहनाज गिल के साथ जी, और खूब इन्होंने डांस किया था, खूब मजेदार बातें की थी, एकदम फिट लग रहे थे। अब ऐसा था नौजवान अचानक छोड़कर चला जाए। बिल्कुल रजा जी, क्या आपकी कभी मुलाकात हो पाई है सिद्धार्थ शुक्ला से? कैसे व्यक्तित्व के थे वो? कभी मैं उनसे पर्सनली नहीं मिला, व्यक्तिगत तौर पे कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई जी। लेकिन मैं उन्हें टीवी पर देखता था, बिग बॉस में देखता था, और क्या आत्मविश्वास था उनमें, जवाबी थी, क्या फाइटिंग स्पिरिट थी, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, और लड़कियों को वो बहुत ज्यादा अपील करते थे। बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि इस सदमे से उभरने में भी हम सबको बहुत समय लगेगा। बिल्कुल, तो दिल टूट रहा है उनकी माँ का सोचकर, कि वो प्रोग्राम में भी अपनी माता जी का बहुत जिक्र करते थे, अपनी माता से सब प्यार करते हैं, वो अपनी माता जी से अपने प्यार का इजहार टीवी पे करते थे, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये तो हमारी समझ से बाहर है जी। यही कह सकते हैं कि भगवान शक्ति दे उनकी माँ को इतना बड़ा सदमा सहने का। हर कोई जो है, पूरा देश जो है, तो शोक में डूबा हुआ है। बिल्कुल, तो रजा जी देखिए, आप सिर्फ टीवी इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड में भी सिद्धार्थ शुक्ला का नाम था, क्योंकि हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में उन्होंने काम किया, तब से उन्हें पहचान बॉलीवुड में मिली। लेकिन 2020 से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे कई सितारे हमें छोड़कर जा चुके हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री को किसी की नजर लग गई है? देखिए, अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बना है, कोई इतनी कर तो आया नहीं है। अब कब किसे जाना है, इसका फैसला तो नीली छतरी वाले करते हैं। ये तो किसी एग्जाम के, किसी डॉक्टर के, किसी मेडिकल साइंस के इख्तियार में नहीं है जी। हार्ट अटैक भी होता है, लोगों को तीन तीन हार्ट अटैक होते हैं, फिर भी वो संभल जाते हैं। ये नौजवान लड़का इतनी कम उम्र में चला जाता है, तो ये तो बात जो है ये सोच और समझ के बाहर है। ये तो मैं यही कहता हूं कि बस हम यहाँ पर लाचार हैं, हर इंसान लाचार मजबूर है, क्योंकि जिंदगी और मौत जो है वो उसके इख्तियार में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के इख्तियार में है। बस हम उनकी आत्मा की शांति कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो उनकी
माता जी हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनको सब्र दे इस इतने बड़े सदमे को सहने का। इसके अलावा हम मजबूर हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब लाचार। बिल्कुल रजा जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो अभिनेता और बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, आज सुबह ही उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। कूपर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर कूपर अस्पताल की तरफ से पुष्टि की गई कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से जान गई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके बाद वो उठ नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे, चाहे वो झगड़ा करने के मामले में हो, चाहे वो दोस्ती करने के मामले में हो। शहनाज गिल से उनकी दोस्ती किससे छुपी नहीं है, आज तक भी वो दोस्ती कायम थी, लेकिन शहनाज गिल का दोस्त ज़्यादा दिन उन्हें समय नहीं दे सका और आज दुनिया को अलविदा कह गया। अभी उनके कुछ दिन पहले ही वेब सीरीज आई थी, लोगों ने उसे खूब प्यार दिया था, खूब पसंद किया जा रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला एक रोमांटिक अवतार में नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला अचानक हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, हमारे बीच नहीं रहेंगे। बालिका वधु में शिव का रोल निभाया और घर घर तक वो फेमस हो गए थे, और जो उन्होंने बेटे का रोल निभाया था शिव का, वो वाकई बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। उसके बाद वो दिल से दिल तक सीरियल में आए और वहाँ पर रश्मि देसाई जो उनकी को स्टार थी, जैस्मिन भसीन उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। रश्मि के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं बिग बॉस में देखा गया, लेकिन उस डेली शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों ने फिर से सिद्धार्थ शुक्ला को एक्सेप्ट किया। उसके बाद आया बिग बॉस 13। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने जैसे जान डाल दी हो। खुद सलमान खान ये कहते हुए नजर आते थे कि ये ऐसा सीजन है जो सबसे ज्यादा टीआरपी के मामले में ऊपर गया है, सबसे ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की दोस्ती को पसंद किया। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच जो झगड़े होते थे वो काफी लाइमलाइट में रहे। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला पर कई तरह के आरोप रश्मि देसाई ने लगाए, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला उन आरोपों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार जो ट्रॉफी थी वो उन्हें मिल ही गई। वो तस्वीरें लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जहां ऐसे मुकाम पर वो आए हैं जहां से वो एक अपने करियर को एक बहुत बड़ा ब्रेक, एक बहुत बड़ा टेक ओवर देने जा रहे हैं, वो मुकाम उन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं मिल पाएगा। अभी 2 साल पहले की ही बात है कि उन्हें ट्रॉफी हाथ लगी और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी कथित तौर पर, अभी तक इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है और देश उस सदमे से उभर नहीं पाया था कि अभी सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला लड़कियां एक बहुत बड़ी संख्या में उन्हें पसंद करती थी, उनकी फैंस थी, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी थी, क्योंकि देखने में बहुत हैंडसम और चार्मिंग, डेयरिंग, जो कहना है मुंह पर कहना है, बिग बॉस में हम सब ने देखा। लेकिन ये नहीं पता था कि एक नौजवान इस तरह से हमारे बीच से चला जाएगा। परिवार के प्रति लगातार संवेदनाएं आ रही हैं और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी परिवार के प्रति संवेदनाएं दे रहा है। बेहद दुखद खबर है कि अचानक से एक व्यक्ति जो दवाइयां लेकर सोया है उसके बाद वो कभी उठ ही नहीं पाया। कूपर अस्पताल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी है कि कूपर अस्पताल ने पुष्टि कर दी है कि हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। शहनाज गिल जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उनका बुरा हाल है रो रो कर। जो उनके चाहने वाले थे, चाहे वो जैस्मिन भसीन हो या फिर रश्मि देसाई से उनका नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा है और कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन रश्मि देसाई कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जगह बनी हुई है। तो ऐसे में वो चकित हैं, अचंभित हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। टीवी जगत में शोक की लहर है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ टीवी ही नहीं, बॉलीवुड तक उनका सफर रहा है। वरुण धवन, आलिया भट्ट की फिल्म आई थी हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए थे, काफी ज्यादा सराहना उनके काम की गई थी।
तो ऐसे में बॉलीवुड तक भी शोक की लहर है। तमाम फोन कॉल्स परिवार के प्रति संवेदनाएं देने के लिए आ रहे हैं। ट्विटर पर भी लगातार लोग संवेदनाएं दे रहे हैं। ऐसे में जो उनके फैंस थे वो भी लगातार दुख जता रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कईयों को तो यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि एक बड़ी संख्या में उनकी फैन फॉलोइंग थी। ऐसे में यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल है। जब ये खबर मीडिया में आई तो कुछ लोगों को लगा कि ये सच नहीं है, लेकिन जब पुष्टि कर दी गई कूपर अस्पताल की तरफ से तो लोगों को एक भारी मन से यकीन करना पड़ रहा है। लेकिन सच यही है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे हैं हम सबके बीच और उनका निधन आज सुबह ही कूपर अस्पताल में हुआ है और पुष्टि भी कूपर अस्पताल की तरफ से की गई है। तो एक दुख था, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत और उस दुख से नहीं उभर पा रहे थे। और इन दो सालों में, 2020 या 2021 की हम बात करें, इन दो सालों में हमने बहुत ऐसे एक्टर्स जो रहे हैं उनको खो दिया, चाहे वो ऋषि कपूर हो, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या तमाम टीवी एक्टर हो, इन सबको हमने खोया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वाकई ये बॉलीवुड के लिए और टीवी जगत के लिए एक बुरा दौर है। लेकिन मृत्यु किसी की ऐसी नहीं है कि जीवन किसी का निश्चित नहीं है। एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन अचानक इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, वाकई नहीं यकीन हो पा रहा है। लेकिन सच यही है, बिग बॉस से एक बहुत बड़ा फेम मिला और एक करियर को टर्नओवर करने की सिद्धार्थ शुक्ला कोशिश कर रहे थे, पहचान एक बार फिर से बना रहे थे, क्योंकि पहचान तो बिग बॉस से मिल गई थी लेकिन आगे अपने करियर को और बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन नहीं पता था कि वो दो साल भी इस खुशी को नहीं देख पाएंगे। और सुरेंद्र पाल अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत मैं स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला मेरे साथ दो शो में काम कर चुके हैं जिसमें मैंने पिता की भूमिका निभाई थी उनके साथ। और जब इन्होंने पहला डेब्यू किया था उस वक्त भी इन्होंने बाबुल का आंगन छूटे ना करके एक शो था सोनी के ऊपर जिसमें पहला डेब्यू था इसका सिद्धार्थ का। और तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ था ये सिद्धार्थ और अक्सर मुझे फोन वगैरह करता था और बहत ही अच्छा लड़का था। ही वाज अ वेरी वेरी नाइस बॉय एंड वेरी नाइस ह्यूमन। मुझे तो, मैं शूटिंग में हूँ इस वक्त मड आइलैंड में, और लेकिन मुझे अभी जब न्यूज मिली है तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहा। ही बिल्कुल, मतलब आप यूं सोच लीजिए कि मैं उसको सिद्धार्थ को हमेशा बेटे की तरह ही मानता था और वो मेरे साथ एक्सरसाइज वगैरह भी करता था अपना स्टार अपना जिम है जिसमें हम लोग साथ में जाके करते थे। लेकिन अभी एक डेढ़ साल से जब से कोरोना हुआ था तब से हमारी मुलाकात थोड़ी सी कम हो गई थी, थोड़ा सा वो कम हो गया था, हमारा गैप आ गया था। लेकिन अदरवाइज सिद्धार्थ ऑलवेज बीन इन टच विद मी एंड ही ऑलवेज टॉक एंड टॉक, वी डिस्कस मेनी थिंग्स टुगेदर, यू नो, हम लोग बहुत सारी बातें किया करते थे और बहुत डिस्कस किया करते थे। और जब बिग बॉस में भी था तब भी उसका काफी मेरे पास फोन वगैरह आता रहता था, हम लोग मिलते भी रहते थे। सुरेंद्र जी, बिग बॉस की मैं बात करूं तो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला गए और शुरुआत में वो काफी नॉर्मल रहे, बाद में तीखी नोकझोंक उनके घर वालों के साथ होती रही, लेकिन एक अलग व्यक्तित्व जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला का उभर कर आया। अभी उनके कुछ दिन पहले ही एक वेब सीरीज आई थी, काफी सराहना उसे मिली है। शहनाज गिल के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे सरेआम हैं, रश्मि देसाई के साथ कंट्रोवर्सी उनकी रही है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला किस तरह के व्यक्तित्व था उनका, किस तरह के इंसान थे, क्योंकि देखने में तो काफी खुशमिजाज लगते हैं। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। ऐसे में टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जर्नी एक डेली सोप से शुरू की और वहां से शुरुआत करके वो बिग बॉस 13 तक गए, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है जो टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। वहां तक पहुंचना और ट्रॉफी अपने नाम करना बहुत बड़ी बात है। ऐसी चमकते सितारों के बीच खुद को एक सितारा बनाना जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो, वाकई काबिले तारीफ है। सिद्धार्थ शुक्ला
लोग बहुत पसंद भी उन्हें करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो सिद्धार्थ शुक्ला से कहीं ना कहीं हल्का सा नाराज रहता था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का व्यक्तित्व पर्सनली बहुत अच्छा था, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, जैसा कि हमने बिग बॉस में देखा भी, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन आज लोगों को यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अचानक से खबर मिली कि सिद्धार्थ शुक्ला हम लोगों के बीच नहीं रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जो डाई हाई फैन हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, उनको यकीन दिलवा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, लेकिन यकीन करना होगा। जो आया है इस संसार में उसे जाना तो है ही, लेकिन इस तरह से जाना वाकई खलता है। बिग बॉस में एक अलग व्यक्तित्व सिद्धार्थ शुक्ला का देखने के लिए मिला। बालिका वधु में एक साधारण एक ऐसे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया जो हर घर तक फेमस हुआ। उनकी को स्टार प्रत्युषा बनर्जी वो भी कुछ सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। तो दुख होता है कि एक ऐसा सीरियल जिसने बहुत लाइमलाइट हासिल की, बालिका वधु उस समय का ऐसा सीरियल हुआ करता था जो घर घर तक फेमस था। शिव और आनंदी की जो जोड़ी थी ना, वो लोगों को बहुत पसंद थी। अब दोनों ही इस रियल लाइफ में हम सबके बीच नहीं रहे हैं, तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। उसके बाद उनका सीरियल कलर्स पे ही आया, दिल से दिल तक। को स्टार रही रश्मि देसाई। रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर तमाम बातें, तमाम अफेयर की चर्चा रही हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला कहते भी हैं कि हाँ, एक समय था कि इनका और रश्मि का एक रिश्ता था, लेकिन बिग बॉस में उन्होंने उस रिश्ते को खराब भी किया, लेकिन जाते जाते उस रिश्ते को बहुत अच्छा कर लिया। रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला को अच्छा एक इंसान मानने लगी हैं। बिग बॉस में सारी जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उस दिन के बाद से 2 साल भी ये चीज़ें जो हैं, ये लाइमलाइट, ये करियर की ऊंचाई तक जाना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। 2 साल अभी नहीं हुए हैं उस ट्रॉफी को लिए हुए। बीच में कई सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की मैं बात करूं तो इनके वीडियो एल्बम भी आए हैं, लोगों ने खूब प्यार दिया। उसके बाद अब उनकी वेब सीरीज आई, उसे भी खूब प्यार मिला। चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आगरा के शिरोज हैंगआउट कैफे में काम करने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर बाला इस समय किडनी फेल होने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बाला को इलाज के लिए 16 लाख रुपए की जरूरत है। शिरोज हैंगआउट कैफे उसके इलाज के लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर की रहने वाली मात्र 25 साल की बाला आज से 9 साल पहले घर की चुलबुली होती थी। मकान मालिक हरकेश सिंह चौहान ने पारिवारिक रंजिश के चलते बाला और उसके दादा के ऊपर तेजाब डाल दिया था। हमले में बाला के दादाजी की मौत हो गई थी और बाला के गले और हाथ चेहरे बुरी तरह से झुलस गए थे। तो यहाँ पर ये इलाज के लिए लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, और कैंपेन के तहत एसिड अटैक जो सर्वाइवर हैं उनकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है, और इसके तहत ही अब लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि एक फंड जो है इकट्ठा किया जाए, उनके इलाज करवाए जाए। वहीं मेरठ के बागपत रोड मलियाना फ्लाईओवर पर एक अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला स्कूटी पर सवार थी, जिस वक्त एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। तो मेरठ में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है। तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, इस टक्कर में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। बता दें कि बैठक दोपहर 12 बजे लोकभवन में शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की इस बैठक में दर्जनों प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, लेकिन इन सब के खास पेराई सत्र 2021-2020 के लिए गन्ना मूल्य पर फैसला है। यूपी में अभी गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत 310 रुपये, 315 रुपये और 325 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। गन्ना का ये 3 रेट वेरीफाइड के हिसाब से रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह से जुड़े कुछ प्रस्ताव भी हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। दरअसल सरकार ने कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके नाम पर तमाम घोषणाएं की हैं। आज कैबिनेट में उनके नाम पर योजनाएं शुरू करने वाले प्रस्तावों को भी पास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैबिनेट में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले होने की भी संभावना बनी हुई है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, गन्ना किसानों के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो बैठक में गन्ना के तमाम
जो दाम बढ़ रहे हैं उसके प्रस्ताव पर भी मुहर संभव बताई जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने नोएडा में प्रेस वार्ता करके उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार जानबूझकर तिरंगा यात्रा में आने वाले लोगों को नोटिस देकर रोक रही है। साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस आम आदमी पार्टी द्वारा निकाले जा रहे तिरंगा यात्रा को धारा 144 का उल्लंघन बताते हैं और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन बीजेपी द्वारा निकाले जा रहे जन आशीर्वाद यात्रा में पूरी छूट दे दी जाती है और एक भी मुकदमा किसी बीजेपी नेता पर दर्ज नहीं किया जाता, तो क्या योगी सरकार तिरंगा से डरती है जिसकी वजह से वो तिरंगा यात्रा को रोकना चाहती है? तो मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है, आप सांसद संजय सिंह भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा तमाम जगहों पर निकाल रही है, तो ऐसे में कई मुकदमे सरकार लिख रही है, इससे नाराज होगा आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उसमें कोई एफआईआर मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। भारत वर्ष में अगर हम तिरंगा लेकर नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? इसलिए आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा कीजिए, उत्तर प्रदेश के गांव गांव में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है, सम्मान है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए ऐसा करके आप हमें रोक नहीं सकते, मुकदमे आप चाहे जितना लिख लें। दूसरी बात, आज नोएडा की यात्रा में आने के लिए कई जगहों पे लोगों को नोटिसेस भेज भेज के रोका जा रहा है। क्या तिरंगा यात्रा में लोगों को आना अपराध है? पुरानी खबर की उत्तर प्रदेश की एक लड़की फिरोजाबाद में हॉस्पिटल के सामने प्रसूता लड़की ने दम तोड़ दिया सड़क पे। देश की बेटी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से यह अपेक्षा रखे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लिए डिलीवरी का बेड अवेलेबल करा दो और उसको सड़क पे दम तोड़ना पड़े, तो ये सरकार द्वारा इस तिरंगे की आन बान शान में बट्टा लगाने का काम। बेरोजगारों की नौकरी हो या किसानों के फसलों के सही दाम हो, शहरों में छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन हो रहा है, सड़कों से लेके सब चीजों में, तो एक ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति का संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव में जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में डेंगू और अन्य तरह के बुखार से लोगों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि बारिश और जलभराव के कारण संचारी रोग तेजी के साथ फैल रहे हैं, जल जनित बीमारियों से संक्रमित रोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार की ओर से संक्रमण रोकने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल की 56 मौत होने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। वो कहते हैं कि राज्य की बीजेपी सरकार सिर्फ सत्ता बचाने की जुगत में जुटी है, जबकि राजधानी लखनऊ और सीमापरवर्ती जिले टाइफाइड की चपेट में है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में अब तक टाइफाइड से लगभग 100 लोग प्रभावित हो चुके हैं और जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, डेंगू और वायरस से यूपी की जनता बेहाल है। रामपुर से सपा सांसद आजम खां की बेटी अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन प्रमाण पत्र मामले मुकदमे में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने स्पेशल MLA MP कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान और उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीब फातिमा ने साजिश के तहत अपने बेटी को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी जन प्रमाण पत्र बनवाया। विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए ज्यादा उम्र का प्रमाण पत्र बनवाया गया, जबकि पहले से उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उम्र कम है। इसी आधार पर हाईकोर्ट अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर चुका है। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों ही 24 फरवरी 2020 को अदालत में आत्मसमर्पण कर जेल गए थे, तब से वो जेल से नहीं छूट पाए हैं। अब्दुल्ला सीतापुर जेल में बंद है, जबकि आजम खान स्वास्थ्य खराब होने की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है, जिसमें आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान तीनों इसमें अभियुक्त हैं, उसी मामले में आज बहस थी, जो कि कल भी जारी रही। कल सुबह 10:30 बजे फिर से कोर्ट में बहस अभी कोई मतलब नहीं, कल
कल जारी रहे। आज आपके बयान नोट किए? हाँ सब बयान हुए हैं, बाकी कल फिर अभी दोबारा होंगे। सर कितने मामलों में बयान नोट हुए? अभी आज एक ही मामला है, जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।